हेलो एवरीवन दिस इज स्वाति योर इंग्लिश एजुकेटर फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पिक्चर कॉम्पोजिशन जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है आपके पेपर में और ऑलमोस्ट फाइव मार्क्स का आता है अब पिक्चर कॉम्पोजिशन क्या होता है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम हमें पिक्चर समझ नहीं आ रही या फिर इसको लिखना कैसे है या फिर आप ये क्वेश्चन रहता है कि इन्फॉर्मेशन लिख दिया आपने लेकिन उसका फ्लो सही नहीं है तो आज हम इसका एक प्रॉपर फॉर्मेट समझने जा रहे हैं ठीक है एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके बाद आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होंगे मैं आपको इनफैक्ट दो तरीके बताऊंगी कि किस तरीके से आप एक पिक्चर से डील कर सकते हो उसको कंपोज कर सकते हो बट ये पिक्चर कॉम्पोजिशन पहले होता क्या है वो देखना जरूरी है तो इस वीडियो में हम क्या समझने वाले हैं कि ये पिक्चर कॉम्पोजिशन होता क्या है हाउ टू डी कोड अ पिक्चर

पिक्चर कॉम्पोजिशन ना पिक्चर के बारे में हमने बहुत ही कॉमन प्ले है जो पढ़ा हुआ है अब पिक्चर इज वर्थ अ थाउजेंड वर्ड्स जिसका मतलब होता है देर आर टाइम्स जब आप बहुत सारे वर्ड्स के साथ भी कोई चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हो किसी की ब्यूटी को एक्सप्लेन कर रहे हो सपोज यू वेंट एंड यू यू सॉ अ गर्ल द गर्ल वॉज मेजेस्टिकली ब्यूटिफुल ठीक है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी वो अब आप बता रहे हो उसका ऐसा था उसका वैसा था उसका ये था इससे ज़्यादा होता है क्या है आपने एक पिक्चर दिखा दिया सिमिलरली वेन यू थिंक अबाउट स्विट्जरलैंड और ऊटी और यू टॉक अबाउट कन्याकुमारी यू थिंक अबाउट क्या थे वो इतना ब्यूटिफुल है आपने इतने ब्लॉग्स पढ़े हैं ऑनलाइन इतने सारे आर्टिकल्स पढ़े हैं बट वेन यू सी इट Okay, or when you see a picture, it speaks, it talks a lot more than words can do. So a picture is worth a thousand words means a picture may convey an idea more quickly and effectively than many words. Okay. इसीलिए पिक्चर कॉम्पोजिशन जो होता है वो इसलिए क्यों इंपॉर्टेंट होता है आपने देखा है जब आप स्टोरी बुक्स पढ़ते हो स्टोरी बुक्स में हमेशा आपके पास इमेजेस होती है छोटे बच्चों को वही बुक्स अच्छी लगती है जिसमें बहुत सारे पिक्चर्स होते हैं कलरफुल पिक्चर्स होते हैं वाई बिकॉज द मोमेंट दे लुक एट द पिक्चर दे अंडरस्टैंड कि आपका कैरेक्टर एग्जैक्टली exactly दिख कैसा रहा है वो कैरेक्टर कैसे बात कर रहा होगा वो कैरेक्टर शॉर्ट है वो कैरेक्टर लॉन्ग है मतलब टॉल है तो उनको क्या होता है तुरंत कनेक्ट हो जाता है तो पिक्चर अगर आप जब आप कोई भी पिक्चर को इंक्लूड करते हो अपनी स्टोरी में तो क्या होता है जो इंसान आपसे बहुत जल्दी कनेक्ट कर पाता है वो कैरेक्टर्स को एक इमेज दे पाता है ठीक है इसीलिए पिक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ना वॉट इज पिक्चर कॉम्पोजिशन अब पिक्चर कॉम्पोजिशन कॉम्पोजिशन का, मतलब तो का मतलब क्या होता है कम्पोज करना बनाना ठीक है कम्पोज करना जैसे कि अगर एक इमेज है उसके बारे में जब मैं कहानी बना रही हूँ उससे रिलेटेड में इंफॉर्मेशन बना रही हूँ तब उसको बोलते हैं कम्पोज करना ठीक है तो पिक्चर पे बेस्ड जो कहानी बनती है उसको आप बोलते हो पिक्चर कॉम्पोजिशन ठीक है so, सो पिक्चर कॉम्पोजिशन कॉम्पोजिशन दैट इज प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द गिवन पिक्चर इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब इट तो एक कोई पिक्चर दी है सपोज आपको एक बहुत ब्यूटीफुल सी पिक्चर दी है कोई आपको माउंटेन्स दिए हैं एक आपको घर दिया हुआ है और वहां पे जो है बगल में नदी बह रही है देर इज बिग हाउस एंड देर इज ब्यूटीफुल ट्री uh, तो अब आप जब इस पिक्चर को डिस्क्राइब कर रहे हो उसको बोलते हैं वर्ड्स में उसे बोलते हैं, अब एक मैं. के बहुत सारे होते हैं. आपको देखना है पिक्चर कॉम्पोजिशन में आप किस लेवल पे जाना चाहते हो कैन यू सी दिस इमेज हियर तो यहाँ पे व्हाट कैन यू सी देर इज अ बॉय और देर इज अ आई शुड से मैन एंड इज एन ठीक है दे आर सिटिंग टेबल उनके बीच में एक टेबल है और वो दोनों जो है, I think, ए, उसका लैपटॉप ओपन है उसका भी कुछ लैपटॉप ओपन है कुछ कॉफी मार्क्स रखे हुए अब मैं सिंपली इस पिक्चर को डिफाइन करूं अगर तो मैं बोल दूंगी द मैन एंड द वुमन आर सिटिंग एट द टेबल द मैन एंड द वुमेन आर सिटिंग एट द टेबल बस खत्म अब ये तो हो गया बिगनर लेवल में आपने पिक्चर को डिस्क्राइब कर दिया अब हम थोड़ा बेटर तरीके से अगर इसको डिस्क्राइब करें हम बोल सकते हैं है, है, और दोनों के दोनों काम कर रहे हैं तो अब मैंने इसमें थोड़ी अपनी तरफ से इंफॉर्मेशन ऐड करी दैट द मैन एंड द वुमेन आर सिटिंग एट द टेबल वाइल्ड वर्किंग ये हो गया इंटरमीडिएट लेवल जो एडवांस लेवल होते हैं वो इस तरह को इस ही एक सिंपल पिक्चर को कितना ब्यूटीफुली एक्सप्लेन कर सकते हैं इन अ ब्राइटली लिट रूम अब देखो आपने हर एक पैरामीटर लिया है द रूम हैज अ ब्यूटीफुल लाइट मतलब बहुत अच्छी से रोशनी आ रही है तो आपने क्या बोला एक ब्राइटली लिट रूम में द मैन लुक्स डोटिंगली एट द लेडी अब देखो हम एक एक चीज को ध्यान से देख रहे हैं एक रूम है जो बहुत ब्यूटीफुली लिट है मतलब इसमें रोशनी है मैन जो है वो बहुत प्यार से उस वुमन को देख रहा है डोटिंगली का मतलब होता है बहुत प्यार से तो आपने ये इंफॉर्मेशन भी ऐड करी अक्रॉस द टेबल अब लेडी कहाँ पे है इस टेबल के उस साइड तो अक्रॉस द टेबल हुज आईज सीम टू बी पेंसिवली फोकस्ड ऑन हर गैजेट जिसकी आंखें जो है वो टोटली totally वो कहाँ देख रही है अपने गैजेट को देख रही है अपने आईपैड को देख रही है तो उसकी जो आंखें हैं pensively focused pensively का मतलब क्या होता है टोटली एकदम फुल ऑन फोकस्ड है कहाँ पे अपने गैजेट पे अब यहाँ पे तुमने एक चीज नोटिस करी इमेज तो एक ही है लेकिन तीन तरीके होते हैं उसको बताने के एक होता है बिल्कुल सिंपल लेकिन क्या ये तरीका बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग था नहीं था यहां पे ठीक है आपने बता दिया दोनों लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं लेकिन थर्ड ये होता है पिक्चर जहां पे आपने हर चीज इंक्लूड किया है आपने zoom की रोशनी इंक्लूड करी आपने द वे इज लुकिंग एट द गर्ल जो वुमेन है वो भी आपने इंक्लूड किया बंदी क्या कर रही है वो भी आपने इंक्लूड किया काम कर रहे सब इंक्लूड कर लिया इससे बोलते हैं एक पिक्चर डिस्क्रिप्शन नाउ दिस इज हाउ यू राइट अ नॉवेल जब मैं इस तरीके का नॉवेल में जब मैं इस तरीके से रीड करती हूं तो मैं इस चीज को भले मेरे सामने इमेज नहीं होती मैं इमेजिन कर पाती हूं क्योंकि आप लिखते हो उसको इतना ब्यूटीफुली लिखते हो ठीक है अब एक पिक्चर कंपोजिशन करता क्या है पिक्चर यूजिंग मीनिंगलो आपका होता है, एक पिक्चर को डिस्क्राइब करता है मीनिंगफुलटेंसेस होते हैं जो की लॉजिकली एक ऑर्डर में कनेक्टेड होते हैं ठीक है एक्सप्रेस एंड इलेबोरेट अपॉन दॉट एंड फीलिंग सजेस्टेड बाय द पिक्चर अब कोई भी पिक्चर है उस पिक्चर में जो भी फीलिंग्स दिख रही है जो भी थॉट्स आपको नजर आ रहे हैं उन सारी फीलिंग्स और थॉट्स को भी आपको लिखना है आप सिर्फ ये नहीं लिखोगे अ मैन एंड वुमन आर सिटिंग नहीं उसमें आपने फीलिंग्स देखी और फीलिंग्स को भी आपको डालना है द पिक्चर कैन बी अ फोटोग्राफ एन एक्शन सीन अ कोट रिटर्न ओवर अ पिक्चर और अ सीन और स्केच ऑफ अ फेमस पर्सनैलिटी अब ज़रूरी नहीं है कि आपको इसी तरीके की कोई इमेज मिले ठीक है इस टाइप की आपके लिए इमेज कुछ भी हो सकती है सपोज आप बैठे हुए हो और सामने कोई एक्सीडेंट हो गया अब बाद में जब आप रिपोर्ट लिखते हो उसके ऊपर तो क्या है एक इमेज है जो आपके दिमाग में है उसको आप पूरा एक्सप्लेन कर रहे होते हो ठीक है सपोज मैं आपको एक इमेज दू एक रेलवे स्टेशन का जहाँ पे बहुत भीड़ है सब लोग इधर उधर अपनी अपनी जगह जा रहे हैं कोई भाग रहा है कोई कुछ बेच रहा है कोई जस्ट बैठा हुआ है कोई न्यूज पेपर पड़ रहा है तो ये भी तो एक इमेज हो गई तो इमेज एक फोटोग्राफ हो सकती है किसी फेमस पर्सनालिटी की पेंटिंग हो सकती है कोई एक्शन सीन हो सकता है कुछ भी उसको जब आप डिस्क्राइब करते हो लेटर अपने वर्ड्स में एक लॉजिकल ऑर्डर में उसे हम कहते हैं पिक्चर कॉम्पोजिशन ठीक है अब पिक्चर कॉम्पोजिशन के टाइम पे आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी होती है रिमेंबर दिस थिंग गाइज कभी भी पिक्चर कॉम्पोजिशन करने के मैं आपको दो तरीके बता रही हूँ एक सिंपल होता है बॉडी इंट्रोडक्शन बॉडी और कंक्लूजन आपके पिक्चर में सेम फ्लो होना चाहिए इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखोगे अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द पिक्चर व्हाट इट सजेस्ट एंड इट्स इफेक्ट ऑन द पीपल एंड द इनवाइ मतलब एक सिंपल पिक्चर आपके सामने है आपने उसको देखा आपने बताया इस पिक्चर में मुझे ये ये दिख रहा है और इस पिक्चर को देखने से ये फील हो रहा है इंट्रोडक्शन में आपने डाल दिया बॉडी और कॉन्टेक्स्ट में आपने क्या लिखा द आइडियाज एंड द द थॉट्स दैट स्टूडेंट रिसीव्स फ्रॉम द पिक्चर शुड बी मेंशन एंड लिंक्ड इन अ करेक्ट एंड मीनिंगफुल सीक्वेंस अब उसको जितनी इंफॉर्मेशन दिख रही है कि जैसे सपोज एक बहुत ब्यूटीफुल सा पार्क का सीन है जहां बच्चे खेल रहे हैं कुछ बच्चे जो है सीसो पे हैं कुछ बच्चे जो है स्लाइड पे हैं कुछ बच्चे जो है स्विंग पे हैं कुछ गर्ल्स हैं जो कि जो लेट्स से कोई बोर्ड गेम खेल रही हैं देर आर सम स्टू प्लेइंग फुटबॉल या कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि बैठे हुए हैं कोई फाइट कर रहा है तो ये पूरा सीन जो है ये आपने बॉडी में एक्सप्लेन कर दिया ठीक है लास्ट में जो कंक्लूजन होता है वहां पे आप उसको राउंड ऑफ करते हो बहुत ही टैक्टिकली आपको ये करना पड़ता है जितने भी थॉट है फीलिंग्स हैं सब को आप समराइज करते हुए अपने कंक्लूजन में डाल देते हो लेकिन ये तरीके के बाद भी ये हमें पता है इंट्रोडक्शन बॉडी और कंक्लूजन लेकिन लिखते कैसे हैं यहाँ पे अभी भी डाउट आ जाता है ठीक है so, सो अब जो है जब आप लिखोगे कोई भी पिक्चर को तो आप कुछ स्टेप्स फॉलो करोगे सबसे पहले ऑब्जर्व द पिक्चर अच्छे से उस पिक्चर को देखना है उसकी माइन्यूट डिटेल्स देखनी है ठीक है so, सो जब आप ऑब्जर्व करते हो तो आप अपने आप से ये चार पांच क्वेश्चंस करते हो

दूसरा क्वेश्चन क्या करोगे ये लोग क्या कर रहे हैं हु हो गया फिर वॉट वट आर थर्ड हो गया when have they gathered? कब? कितना है? शाम का टाइम हो रहा है सुबह का टाइम हो रहा है तो एग्जैक्टली exactly वहां पे टाइम क्या चल रहा है तो किसी भी इमेज को देख के आप बता सकते हो रात का टाइम है अर्ली मॉर्निंग का टाइम है आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है नेक्स्ट इज वेयर कहां पे हो रहा है जो भी आपकी इमेज है जो पिक्चर है वो एग्जैक्टली exactly कहां पे हो रही है इट देयर कोई सिनेमा हॉल का है मे बी कोई पार्क का है कोई स्कूल का है किसी क्लास का है तो जो आपकी इमेज है वो कहाँ की है ये बताओगे फिर आता है वाई दिस इमेज इज इम्पॉर्टेंट ये पिक्चर क्यों इंपॉर्टेंट है आपको क्या लगता है इस पिक्चर में कौन सी इमोशंस की बात हो रही है किन फीलिंग्स की बात हो रही है तो यहाँ पे आप बात करोगे व्हाई एंड देन लास्ट इज हाउ इज दिस इंपैक्टिंग यू ये पिक्चर आपके ऊपर क्या इफेक्ट डाल रही है अब बहुत सारी इमेजेस होती है जिसमें ये लास्ट के दो पॉइंट्स जो होते हैं उतने नेसेसरी नहीं होते अब आप सिंपल जब जो सपोज यू आर इन फोर्थ और फिफ्थ स्टैंडर्ड है तो फोर्थ और फिफ्थ स्टैंडर्ड में बस ये चीज़ों का ध्यान रखना है बट इफ़ यू आर इन फिफ्थ सिक्स औरवंथ और एट्थ स्टैंडर्ड तब आपको इन दोनों चीज़ों को भी इमोशंस को भी एड करोगे कैसे करोगे यूजिंग द राइट एडजेक्टिव्स ठीक है सिंपली कह दिया आप वो एंग्री थी वो फ्यूरियस थी और शी वॉज एक्सट्रीमली एंग्री तो इन वर्ड्स को यूज करके आप फीलिंग्स डाल सकते हो उसमें क्लियर तो अभी हमने सबसे पहले क्या समझा कोई भी पिक्चर को कंपोज करने के लिए सबसे पहले डब्ल्यू फाइव एच टेक्निक को यूज करना है ये सारे इंफॉर्मेशन मिल गई ये सारे आंसर्स लिख लिए आपने एक जगह इसके बाद आप इसकी आउटलाइन बनाओगे इसके बाद जितना आपने लिखा हुआ इन सब को एक जगह नोट कर लिया ठीक है थर्ड होता है अरेंज करना अब जितने आंसर्स आपने लिखे हैं डब्ल्यू फाइव एच टेक्निक से जितने भी आंसर्स लिखे हैं एक आउटलाइन बना लिए इनको आप लॉजिकली अरेंज करोगे मतलब एक के बाद एक लाइन आपस में कनेक्टेड होनी चाहिए टू द पॉइंट की होनी चाहिए और लॉजिकली फ्लो करनी चाहिए ठीक है और लास्ट में होता है जब आपने पूरा लिख दिया अपना पिक्चर कॉम्पोजिशन अब उसको देखते हुए जो आपका पैराग्राफ क्रिएट हुआ है उसको देखते हुए एक प्रॉपर टाइटल दे दो ठीक है क्लियर क्या देखा हमने सबसे पहले ऑब्जर्व करो फिर उसकी आउटलाइन बनाओ उसके बाद उसको अरेंज करो और लास्ट में टाइटल दे दो इतना ही करना है लेकिन इसको भी हम और अच्छे से समझेंगे विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल हियर ठीक है अच्छा कुछ एक जो बात आपके दिमाग में होनी चाहिए जब आप पिक्चर कंपोज कर रहे हो तो दो तरीके की पिक्चर कंपोज होती है एक होती है स्टोरी कंपोज कर रहे हो ठीक है एक पिक्चर के ऊपर एक एक बस फिक्शनल सी स्टोरी कंपोज कर रहे हो और एक रियल टाइम सीन बता रहे हो जैसे अगर मैंने आपको रेलवे स्टेशन का एक सीन बताया तो आप जब उसके बारे में लिख रहे हो वो एक रियल टाइम पिक्चर है लेकिन सपोज आप मन से सोच के कोई फिक्शनल स्टोरी लिख रहे हो तो वो रियल टाइम नहीं होती रियल टाइम आप हमेशा प्रेजेंट में बताओगे द ट्रेन इज मूविंग द गर्ल इज स्टैंडिंग द बॉय इज लुकिंग फॉर यू नो हर पेरेंट्स तो आप ये पूरा प्रेजेंट टाइम में बताओगे बट अगर आप एक स्टोरी लिखते हो तो उसको आप पास्ट टेंस में लिखोगे स्टोरी लिख रहे हो यू नो देर वॉज दिस ब्यूटिफुल ट्री वो जो ट्री थी उसके लीव्स ऐसे हुआ करते थे तो यहाँ ये पूरा पास्ट में आ जाएगा अगर रियल टाइम पिक्चर है तो प्रेजेंट में आप उसको पूरी स्टोरी लिखोगे इसको हमेशा प्लीज याद रखना ठीक है अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम जैसे यहाँ पे अब डोंट लुक हियर ठीक है यहाँ पे ये यह इमेज दिख रही है सो व्हाट कैन यू सी देयर इज अ गर्ल आई थिंक वो कहीं जो है कुछ टेबल जैसा स्लैब जैसा है वहां पे बैठी है शी इज राइटिंग समथिंग शी लुक स्ट्रेस्ड शी हैज अ लाइट स्माइल ऑन हर फेस उसके फेस पे बहुत सारी लाइट आ रही है और यहां पे बहुत सारे पॉट्स रखे तरीके से बिगनर लेवल पे हम बोल सकते हैं द गर्ल इज राइटिंग सिंपल द गर्ल इज राइटिंग अगर थोड़ा एडवांस लेवल जाओगे इंटरमीडिएट लेवल जाओगे तो आप बोल सकते हो द गर्ल इज राइटिंग हर डायरी वाइल सिटिंग इन अ कैफे अब ये प्लेस कुछ कैफे जैसी लग रही है कोई भी कैफे कॉफी डे या कोई स्टारबक्स वगैरह टाइप की प्लेस लग रही है जहां बैठ के वो कुछ लिख रही है ठीक है क्यों क्योंकि इसका जो जिस तरीके से उसका अरेंजमेंट है ऐसे घर जैसा नहीं लग रहा है वो ऐसा लग रहा है कोई कैफे है अब आप इसको जब एकदम ब्यूटिफुली एक्सप्लेन करोगे तो अब आपने क्या लिखा सनलाइट फिल्टर्स थ्रू द विंडो सनलाइट जो है वो विंडो से फिल्टर होते हुए आ रही है इल्यूमिनेटिंग द इंटायर कैफे पूरे जो कैफे को उसमें उसने लाइट भर दी है इल्यूमिनेट कर दिया है एज द गर्ल सेटल्स नियर द विंडो और जो लड़की है वो विंडो के पास में सेटल कर गई है मतलब बैठ गई है वहाँ पे एंड जर्नल्स हर थॉट्स और वो अपने थॉट्स को लिख रही है जर्नल का मतलब होता है जैसे आप डायरी में जो लिखते हो तो जर्नल्स हर थॉट्स अब आपने डिफरेंस देखा ये होता है बिगनर लेवल इंटरमीडिएट लेवल और एडवांस लेवल और हमें कहाँ जाना है हमें एडवांस लेवल तक पहुंचना है इसको पहुंचने के लिए मैं आपको एक और तरीका बता रही हूं विच इज वेरी इंटरेस्टिंग कभी भी कोई भी इमेज आ जाए आपके सामने तो जैसा मैंने बताया था कब हो रहा है कहाँ हो रहा है उसी के बेसिस पे रिमेंबर दिस थिंग एस पी ए सी ई स्पेस क्या याद रखोगे इस वर्ड को याद रखना एस पी ए E सबसे पहले सेटिंग बताओगे सेटिंग क्या होता है वो प्लेस क्या है कहाँ पे ये काम हो रहा है ठीक है क्या टाइम हो रहा है उस जगह का जगह के बारे में बताओगे तो अब हम इस चीज को अभी बस इतना याद रखो एस पी ए E ठीक है अब ये मैं एक एक करके एक्सप्लेन करती हूँ यहाँ पे एस का मतलब होता है सेटिंग जिसमें आप बात करते हो कोई काम कहा हो रहा है कौन कर रहा है और कब हो रहा है ठीक है अब सेटिंग में आप अपने आप से ये क्वेश्चंस करोगे कोई भी जो फर्स्ट सेटिंग जो है इंट्रोडक्शन के लिए वेयर डिड द स्टोरी टेक प्लेस मतलब हम प्लेस की बात कर रहे हैं वेन डिड द स्टोरी टेक प्लेस स्टोरी कब हुई मतलब ये पिक्चर का टाइमिंग क्या लग रहा है मेन कैरेक्टर अब आपको जब स्टोरी दी जाती है स्टोरी हमेशा रिमेंबर कि कोई मूवी हो या कोई स्टोरी हो हमेशा कि एक दो मेन कैरेक्टर्स होते हैं ठीक है तो आपकी स्टोरी का मेन कैरेक्टर कौन है वॉट वॉज द मेन कैरेक्टर द स्टोरी जैसे स्टार्ट हो रही है पिक्चर को जब आप कर रहे हो तो जैसे ही वो स्टार्ट हो रही है तो यहाँ पे आपका मेन कैरेक्टर क्या कर रहा था जो हमने पिछला वाला मेथड देखा था वो कोई जनरल स्टोरी के लिए हो सकता है किसी भी जनरल पिक्चर के लिए हो सकता है लेकिन जब आपको कॉमिक स्ट्रिप दी हुई है या आपको एक दो तीन इमेज का एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है तब हम ये वाला फॉर्म फॉलो करते हैं ठीक है यहाँ पे देखो अब कैन यू सी दिस इमेज इस इमेज को अभी एक बार अपन नोटिस करते हैं ऑब्जर्व करते हैं सबसे पहले इफ यू कैन सी यहाँ पे आप देख रहे हो इट्स लाइक अ शॉप यहाँ पे लिखा हुआ है नूडल्स ठीक है देर इज अ वुमन हु लुक्स हैप्पी शी इज स्माइलिंग एंड लॉट ऑफ किड्स आर स्टैंडिंग इन क्यू अब अगर देखो ये सब बच्चे एक जैसे कपड़े पहने मे बी ये कोई स्कूल की बात हो रही है ठीक है स्कूल में अगर ये लोग स्कूल में हैं तो कैफेटेरिया में होंगे कैंटीन में होंगे और कैंटीन में आए कब जाते हैं स्कूल लंच टाइम में जाते हैं ठीक है सेकेंड इमेज की तरफ देखते हैं हम ठीक है यहाँ पे आपने देखा कि कुछ हुआ है ठीक है ये जो गर्ल है अब यहाँ पे सबसे आगे ये लड़की है जिसके एक पोनी टेल है अब उसके आगे अचानक से दो लड़के आ गए ठीक है एंड नाउ डज दिस वुमेन लुक हैप्पी नो शी लुक सरप्राइज उसके बाद अगर आप थर्ड इमेज देखोगे तो दोनों लड़के बड़े अच्छे खुश हैं बट द गर्ल लुक्स रियली एंग्री और लास्ट वाली इमेज में यू कैन सी दैट द गर्ल इज स्टैंडिंग विद अ ओल्डर पर्सन और दोनों जो बच्चे हैं वो सर झुकाए खड़े हुए हैं ठीक है तो जब आपको इस तरीके की इमेज आती है तो सबसे पहले यू विल लुक एट द पिक्चर नंबर वन पिक्चर नंबर वन को आप देखो अब आपको इस तरीके से कुछ क्ल्यूज दिए रहेंगे जैसे अनोड का मतलब होता है इरिटेट हो जाना द द क्यू क्यू एक फ्रेज होता है जिसका मतलब होता है लाइन तोड़ के आगे लग जाना कुछ लोग होते हैं ना धक्का मुक्की करके आगे लग जाते हैं जबरदस्ती उसको बोलते हैं टू जम्प द क्यू फिर आता है वूड जूड होना मतलब गंदे तरीके से बात करना हंग देयर हेड्स अब जब आपको जोर से डांट पड़ती तो अपन कैसे हो जाते हैं ऐसे

सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन थे सेटिंग के उसके आंसर देते हैं. कैंटीन वेन डिड प्लेस लेट्स से ट्यूसडे मॉर्निंग अब इसमें आप कुछ भी बोल सकते हो अब ऑब्वियसली सैटरडे और संडे को तो स्कूल की छुट्टी होती है तो मंडे से लेकर फ्राइडे तक में आप कोई भी टाइम बता सकते हो ओके okay? वॉज द मेन कैरेक्टर अब वो जो लड़की है पोनी में चलो उसको एक नाम दिया जाए लेट्स कॉल हर जेन तो जेन इज द मेन कैरेक्टर वॉट वॉज द मेन कैरेक्टर डूइंग एट द स्टार्ट ऑफ द स्टोरी अब आपके स्टार्ट ऑफ द स्टोरी में इफ यूल सी दिस पिक्चर क्या कर रहे हैं वो लोग दे आर स्टैंडिंग इन क्यू वेटिंग फॉर समथिंग टू ईट तो यहाँ पे क्या लिखोगे शिव क्यूंग अप क्यूंग अप का मतलब होता है वो एक क्यू में खड़ी हुई है ठीक है Clear with this? अब आता है आपका सेकेंड अब इसको ये सारी इंफॉर्मेशन को अगर आप मिलाओगे तो आपका इंट्रोडक्शन बन जाएगा ऑन ट्यूजडे मॉर्निंग जेन वॉज द स्कूल कैंटीन क्लियर हो गया इंट्रोडक्शन अब आते हैं हम पर्पज पे कि वो वहां पे खड़ी है तो क्यों खड़ी है क्या रीजन क्या उसके खड़े होने का तो इसके लिए जो आप क्वेश्चन पूछोगे इसमें आप क्या देखोगे सबसे पहले आपने देखा वो खड़ी हुई है

पी से होता है परपस कि भाई आपका जो मेन कैरेक्टर है वो करना क्या चाहता है वो देख लिया अब ए का मतलब होता है एक्शन फाइनली उसमें हुआ क्या तो यहाँ पे वॉट डिड द मेन कैरेक्टर डू देन उस मेन कैरेक्टर ने क्या किया तो अब यहाँ पे देखो इफ यू कैन सी यहाँ पे मेन कैरेक्टर को किसी दो बच्चों ने धक्का दिया और वो लोग आके लग गए वहां पे और मेन कैरेक्टर यहाँ शॉक लग रहा है तो हम क्या बोलेंगे शी वॉज गोइंग टू प्लेस

ठीक है उसके बाद पर्पस और एक्शन इसके बेसिस पे हमारी स्टोरी ऐसी जाएगी ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग जेन वॉज क्विंग अप इन द स्कूल कैंटीन ओके शी वॉन्टेड टू बाय अ बोल ऑफ नूडल्स एट हर फेवरेट स्टॉल जो जो क्वेश्चन का आंसर किया है बस आंसर को एक के बाद एक लिखते जाना है शी वॉज गोइंग टू प्लेस हर ऑर्डर वेन इट वॉज हर टर्न टू बॉयज शोड हर असाइड एंड द क्यू देखो कितना फ्लो सही आ रहा है एकदम आपका पिक्चर सही तरीके से कंपोज हो रहा है अब जब ए हो गया नेक्स्ट आता है सी सी का मतलब होता है कंक्लूशन एक्शन देख लिया आपने वहां पे क्या हुआ सी का मतलब होता है कंक्लूशन तो यहाँ पे जब आप स्टोरी में कंक्लूशन लिखते हो कि वापस आपके क्या किया जो आपका मेन कैरेक्टर है उसने किया क्या तो अब आप यहाँ देखो वॉट वॉज द रिजल्ट अब जैसे उन लोगों ने उन दो बत, लड़कों ने उसको धक्का दिया और वो लोग जंप कर गए क्यू को और वो वहां पे आके लग गए उसके बाद उसने क्या किया सो एक्शन वन एक्शन टू एक्शन थ्री एक्शन फोर कितने भी एक्शन हो सकते हैं यहाँ पे और लास्ट में कि उन लोगों को क्या लेसन मिला तो हमने यहाँ पे क्या लिखा शी टोल्ड देम टू क्यू up, but they ignore, but they ignore her. उसने उन दोनों को लड़कों को कहा ठीक है कि तुम लोग लाइन में लगो लेकिन उसने उन दोनों लड़कों ने उसे इग्नोर कर दिया शी रिपोर्टेड टू द टीचर एंड द टीचर रेप्रीमेंडेड मतलब उसने टीचर को रिपोर्ट किया और टीचर ने अच्छे से उनको डांटा ठीक है टीचर ने उनको अच्छे से डांट दिया वट लेसन डिड कैरेक्टर लर्न कि हमको कभी भी लाइन को तोड़ना नहीं चाहिए अब ये चीज आपने इसमें ऐड कर दी ठीक है ये तो हमने देख लिया था शी वॉज गोइंग टू प्लेस हर ऑर्डर इसके बाद सेकंड पार्ट में क्या हुआ शी टोल्ड टू क्यू अप बट दे इग्नोर्ड हर शी रिपोर्टेड टू द टीचर एंड शी reprimanded शी She दैट that everyone शुड वेट इन लाइन एंड नॉट jump द क्यू तो यहाँ पे हमने देख लिया एस पी ए सी इतने में आपकी पूरी स्टोरी आ गई अब ये जो लास्ट में ई होता है इसका मतलब होता है इमोशंस ये स्टोरी अभी अपनी प्लेन चल रही है अब हम जब इसमें कुछ इमोशंस ऐड करेंगे तब ये किस तरीके की हो जाएगी ऑन ट्यूजडे मॉर्निंग जेन वॉज नॉट जून जेन जेन वॉज क्यूइंग अप इन द स्कूल कैंटीन She wanted to buy a bowl of noodles at her favorite stall. She was going to place her order when it was her turn.

ठीक है शी लर्न दैट एवरी वन शुड वेट इन लाइन एंड नॉट जम्प द क्यू अब यहां आपने ये जो दो वर्ड्स एड किए हैं यहाँ पे आपने इमोशंस एड किए हैं लेकिन क्या आप देख रहे हो आपका स्टोरी कितनी इजिली फॉर्म हो गया ठीक है आपका स्टोरी जो है उसमें एक फ्लो भी है आपके स्टोरी में कैरेक्टर भी है आपने सारा जो डब्ल्यू जो डब्ल्यू फाइव एच जो है उसको भी आंसर कर दिया है एंड योर स्टोरी इज रेडी ठीक है सो दिस इज वॉट वी हैव टू डू सिमिलरली ना वट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू गिव यू अर पिक्चर ठीक है तो जैसे आप इस पिक्चर में क्या क्या देख सकते हो यू कैन सी दैट देर इज अ लिटल गर्ल हु इज इन द गार्डन उसने ग्लव्स पहने हुए हैं इफ़ यू कैन सी उसने यहाँ पे ग्लव्स पहने हुए हैं एंड शी इज गार्डनिंग मे बी शी इज प्लांटिंग सम प्लांट्स ठीक है शी इज वेयरिंग जो है वो एक उसने ड्रेस पहना है पिंक एंड ब्लू कलर का उसके एक हेयर क्लिप भी है और यहाँ फेंस लगा हुआ है आई होप दिस इज हर हाउस उसका जो घर है उसके सामने उसकी साइकिल है एंड इट्स ब्यूटिफुली ग्रीन देर इज अ बटरफ्लाई देर अनदर बटरफ्लाई एंड इट फील्स दैट द वेदर इज वेरी प्लेजेंट अब इसको देखते हुए आप ऑब्जर्व करोगे सेटिंग पर्पस ठीक है उसके बाद एक्शन क्या हो रहा है कंक्लूड करोगे विथ सम इमोशंस नाउ आई वांट यू टू फॉर्म स्टोरी विद दिस ठीक है कैसे कम्पोज करना है आपको अच्छे से समझ में आया होगा हमें एडवांस लेवल पे जाना है बिगनर्स पे नहीं रहना है ठीक है सो कीप प्रैक्टिसिंग आपके घर में कुछ भी होता है ना कोई भी आप एक जगह पे बैठ जाओ और उस चीज को डिस्क्राइब करो अपनी बैल्कनी में जाके खड़े हो जहा सामने जो भी हो रहा है उस चीज को डिस्क्राइब करो इट विल हेल्प यू टू कम्पोज अ पिक्चर ठीक है नाउ इन एनी केस सपोज यू आर नॉट एबल टू फाइंड द वीडियोस प्लीज गो टू आर वेबसाइट गो टू द कोर्स व्हिच यू वांट टू स्टडी एंड देन सिलेक्ट द सब्जेक्ट एंड देन द मोमेंट यूल क्लिक ऑन वॉच नाउ पूरी जो लिस्ट है टॉपिक वाइज वो आपके सामने अपेयर हो जाएगी एंड यू कैन स्टार्ट वॉचिंग योर वीडियोज थैंक यू सो मच मैग्निक्रेन इज लेवल बेस्ट ठीक है वी एट मैग्नेट ब्रेन आर ट्राइंग लेवल बेस्ट कि आपको हर जितनी भी चीजें जो भी जरूरत है आपको एजुकेशन से रिलेटेड वो हम आपको प्रॉपरली विदाउट एनी है प्रोवाइड कर सकें सो वी आर ट्राइंग ट्राइंगा वेरी बेस्ट थैंक यू फॉर बींग विद अस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आई सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो टेक केयर बाय बाय